नून लीग के वफ़ की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात, इंतखाबी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। सिंध में नए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है, कराची को खंडर बना दिया गया, एमकेएम से इत्तेहाद चलेगा नहीं दौड़ेगा। साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो हुक्मरानों का नहीं अवाम का तहफ्फुज़ करे। लीगी वफ़ की पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीरे आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीरे आला से हल्फ लिया। साबिक वज़ीरे आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने नाम पर इत्तेफाक किया। जस्टिस अरशद का ताल्लुक एबटाबाद से है, वो निगरान वज़ीरे कानून भी रह चुके हैं, सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज भी रहे। और इसराइली हमले में अलशिफा अस्पताल का कार्डियक वार्ड तबाह। नायब वज़ीरे सेहत का कहना है कि फजाई हमले में दो मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। अलकुद्स अस्पताल में ईंधन खत्म, तमाम सर्विस मुकम्मल बंद। फलस्तीन पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न थम सका। खान यूनुस में इमारत पर हमला, 13 शहीद, 20 जख्मी। शिमाली गजा के अस्पतालों पर बमबारी, दो रोज में मजीद 1500 बच्चों समेत 2700 अफराद शहीद, 11000 से जायद शहादतें, 27000 अफराद जख्मी। बैत हनून में झड़प में 5 इसराइली फौजी हलाक, 48 घंटे में 25 इसराइली टैंक तबाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।